खबर बैतूल से, जहां आदिवासी युवकों के साथ घटित हुई घटनाओं को लेकर आदिवासी समाज संगठनों ने विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पहली घटना में युवक को बजरंग दल के नेता ने पीटा और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया, जबकि दूसरी घटना में युवक को निर्वस्त्र कर छत से उल्टा लटकाकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। दोनों घटनाओं को लेकर सर्व आदिवासी संगठन ने शुक्रवार को बैतूल बंद का आह्वान किया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं नर्मदापुरम रेंज के आईजी इरशाद बली घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जो घटनाक्रम है वो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो है जो उचित कदम उठाए गए हैं उसका पूरा प्रयास किया गया है और FIR दर्ज हुई। तत्काल मौके पे आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और एक आरोपी का NSA भी किया गया है और प्रयास ये होगा कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है किसी तरह से इसको रिपीटिशन ना हो और जनता के बीच जो है आपसी सामंजस्य के साथ अच्छी तरह से जो है पुलिस की व्यवस्था बनी रहे, प्रशासन की व्यवस्था बनी रहे, इसी का प्रयास हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे ज़िले में दो आदिवासी युवकों को, एक को बहुत बहरीमी से पीटा गया एक बजरंग दल के नेता के द्वारा और एक को पूरा नग्न करके उल्टा टांग के बहरीमी से पीटा गया। ये एक प्रकार से मानवता का हनन है और हम लोग इस तरह का अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि दोनों बच्चों को न्याय दिलाया जाए, जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और दोनों को एक मुआवजे के रूप में राशि भी दी जाए।